आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। इंजेक्शन बाहर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे पास क्या रास्ता होना चाहिए? उनको तिल तिल तड़पते मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है आगे? अगर आज इंजेक्शन नहीं मिलते तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद के आत्महत्या कर लूँगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत दुआएं लगेगी तुमको, और प्रशासन से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से इंजेक्शन पहुँचाया जा सके ताकि मरीज का इलाज चालू हो सके और उसको लाभ मिल सके उस चीज़ का, और ताकि किसी की आंख नहीं जाए, किसी का दिमाग में नहीं जाए। बस प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दो और गवर्नमेंट तक पहुंचा दो। आपके लिए 10-12 घंटे 24 घंटे एक समय होता है, हमारे लिए वो ज़िंदगी और मौत होती है। किसी भी वक्त कोई भी अंग पे फंगस अपना प्रभाव डाल सकती है, वो आँख है, उसके बाद दिमाग है, और कुछ भी असर हो सकता है। आँख जा सकती है, दिमाग में फंगस खा सकता है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। आप उस मामले की गंभीरता को समझें और जितना जल्दी हो सके अस्पतालों को इंजेक्शन उपलब्ध कराएं ताकि मरीजों की जान बच सके। मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके लिए समय की कीमत कुछ और होगी, पर हमारे लिए समय की कीमत जिंदगी और मौत है। तो एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध कराओ भाई, बाद में कमा लेना यार। तुम मतलब ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कफन में जेब नहीं होती, इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग करके अपने घर मत भरो। भगवान को जवाब देना पड़ेगा तुमको, कहाँ जाओगे इस इतनी पाप लेके, अपने माथे पे इतना पाप लेके कहाँ जाओगे? प्लीज़ बीच में ब्लैक मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ मत करना, सिर्फ हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करा देना। मरीज सबके सबकी जान जान होती है, सबका जीव है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।